हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी, जो कि आज आपके लिए लेकर आया है क्या एक्सरसाइज 6.2। जी हाँ, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इन फिगर 6.28, दिख रही है ना आपको फिगर? इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन शो दैट ए बी पर पैरेलल है किसके? सी बी के। अब याद करो, हमने पिछली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कौन से कॉन्सेप्ट? की हमने आपको बताया था कि एंगल कितने तरीके से होते हैं, और अगर लाइन पैरेलल होती है तो कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कौन से सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि अगर लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंड को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं। बट अगर मुझे उल्टा करने को आ जाए, कि अगर मुझे ये बताना है कि लाइंस पैरेलल बतानी है या प्रूव करना है, तो बेटा आप इन में से कोई एक पेयर को ले आओ, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर को इक्वल प्रूफ कर दो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के एक पेयर को प्रूफ कर दो कि ये इक्वल आ रहे हैं, और ये तो तभी हो सकता है जब लाइन कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। तो देखें यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो लुक कि यहां पर भी अगेन आपको प्रूफ करना है, शो करना है, तो गिवन टू प्रूफ से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, जिसमें क्या है, गिवन क्या दे रखा है आपको, दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट। तो यानी कि एज इन कुछ भी नहीं दे रखा स्टेटमेंट में, बट फिगर में कुछ कुछ गिवन है। क्या गिवन है वो आप देख सकते हो कि आपको ए, अगेन यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है, तो आप अपना पॉइंट्स बना सकते हो, एंड देन यू कैन राइट डाउन की फला ये जो है एंगल आपको क्या दे रखा है, मेजरमेंट 50 डिग्री दे रखा है, एंड अगेन 130 का भी आपको दे रखा है मेजरमेंट, ठीक है। नाउ अगेन अगर आपको ऐसा है कि ये लेस मार्क्स में आता है, कम नंबर में, या एक नंबर या दो नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो डायरेक्ट ही सॉल्यूशन पार्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। देखो टू प्रूफ में क्या आएगा, टू प्रूफ में आएगा क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब प्रूफ देखो क्या होगा इसका, या सॉल्यूशन को, बट प्रूफ ही है क्योंकि शो दैट कहा गया है। तो यहाँ देखिए मुझे ये चीज दिख रही है कि एक्स और वाई, सॉरी वाई जो है वो 130 होगा, ठीक है। नाउ वी हैव, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, वी हैव क्या, y is equals to 130 degree, क्यों? Because they make a pair of vertical opposite angles, ये हम जानते हैं। Now क्या आएगा आपके पास, x plus 50, now x plus 50 degree क्या हो जाएगा बेटा, 180 degree, क्यों? Because we know they make a pair of linear pair of the angles, ठीक है। यहां से this implies x की value बेटा कितनी आ जाएगी, 180 minus 50 is equals to 130 degree आ जाएगी, 130 degree आ जाएगी। Now अब इसको आप क्या नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू। क्या मैं ये कह सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी हैव x equals to y, फ्रॉम वन एंड टू वी हैव x equals to y, बोथ 130 डिग्री, बोथ 130 डिग्री, राइट, x equals to y आ गया, but दे मेक अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं ना, देखो एक इधर है तो दूसरा इधर है, एंड बोथ दी एंगल्स आर इनसाइड, तो इंटीरियर एंगल्स है, बट दे मेक अ पेयर ऑफ, क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपके पास इक्वल आते हैं, वो कब होता है, कब होता है, याद करो, अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में कुछ एग्जाम्स एंड थ्योरम्स करवाई थी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बट दे मेक अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो AB parallel to CD, ये तभी possible है जब AB parallel होगा किसके, CD के, and hence proved, the question is done, ठीक है। चलो देखें next question, देखो next question है, second question, in figure 6.29, जो कि आपको यहाँ दिख रही है स्क्रीन पर, कि figure 6.29, if AB parallel to CD, CD parallel to EF, and Y ratio Z is equals to 3:7, find X. अब find x है, that means हमें क्या है, given to proof लिखने की जरूरत नहीं है, हम direct अपना question कर सकते हैं, that is solution part हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा आप क्या कर सकते हो, given अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हो, तो solution लिख करके ना वहां पर जो जो values आप जानते हैं या given है, जैसे कि हम start ही करते हैं कि we have given, है ना, तो इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो, अनलेस क्या है वो शो दैट, प्रूव दैट, इस तरीके से यूज नहीं की है लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये बताना है कि फाइंड करना है एक्स, ठीक है, और ये भी गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब देखो
अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगी, होगी ना, ठीक है। बट देखो अब हमें दिया है वाई रेशो जेड, हम लिख लेते हैं वी हैव वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। अब वाई रेशो जेड से क्या है बेटा, मुझे ना कुछ मिल नहीं रहा। मिल कैसे नहीं रहा कि y तो z के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा, ना तो अल्टरनेट एंगल का बन रहा है, ना तो एक्सटीरियर, ना ही इंटीरियर, और ना ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कुछ बन रहा है। बट अगर मैं ये देखूं कि मैं जो ये जहां पर वर्टेक्स है आपका ओ सॉरी ये जो जहां पर y है इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी तो y ही होगा, राइट। देखो मैं आपको यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, सेम रेप्लिका है इसका, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, राइट। ये है आपके पास ए बी, देखिए ये है ए बी सी डी एंड ई एफ, राइट, ऐसे ही दिया हुआ है ना। अब देखो यहां पर मुझे वाई गिवन है, यहां पर वाई गिवन है, तो ये एंगल भी तो वाई होगा ना, ये एंगल भी तो वाई होगा बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको अलग से नेम दे रही हूँ, दैट इज एंगल वन, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है गिवन, दैट इज जेड, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये है आपके पास कुछ इस तरीके से, और मैं सारा का सारा आपको फिगर रेप्लिकेट कर रही हूँ यहाँ पर। नाउ अब आप क्या लिखेंगे, वी हैव y रेशो दैट इज इक्वल टू 3:7, तो आपने क्या लिखना है, ऑल्सो ऑल्सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल y, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट, एंगल वन इज इक्वल टू y क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड एंड y फिर क्या हो गया यहाँ पर, y प्लस z कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है या को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर है ना, एंड y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिखेंगे रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, फाइन। अब हमें पता है y और z का रेशियो, हमें पता है y और z में रिलेशन, तो फिर बना लेते हैं, देर किस बात की, मान लेते हैं y रेशो z है, तो लेट y इज इक्वल टू कितना, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, मान लीजिए मैंने एक k मान लिया, लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k, है ना। रेशियो में आप जानते हैं कि कॉमन फैक्टर को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया, मैंने वो कॉमन फैक्टर जो है वो k ले लिया, अगर k ले लिया तो y की वैल्यू 3k हो गई और z की वैल्यू 7k हो गई। इस पूरी को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन वन, और यहां पर इक्वेशन वन का यूज करके मुझे मिलता है 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिए, दैट इज यूजिंग वन, ठीक है। यहां पर आ गया क्या 10k, और यहां मिलता है मुझे 180 डिग्री, एंड दिस गिव्स मी द वैल्यू ऑफ k, दैट इज 18, है ना, यहां पर क्या है 18 आ गई, जो कॉन्स्टेंट था कॉमन फैक्टर था वो आ गया क्या 18। तो अब मेरे पास y और z की वैल्यू आ गई, आ गई ना, बट y और z तो निकालना ही नहीं था, मुझे तो x निकालना था, बट अगेन लुक एट द फिगर कि अगर मुझे y पता चल जाए तो अगेन मैं यूज कर सकती हूँ क्या, को इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो y निकालना जरूरी है, k आ गया, सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो y इज इक्वल टू कितना 3 × 18, 18 × 3 = 54 डिग्री, एंड z इज इक्वल टू 7 × 18, तो ये कितना होता है 126, ठीक है, 126 डिग्री हो गया, ये 54 डिग्री हो गया। नाउ अगेन अगेन क्या आता है मेरे पास, x प्लस y, अगेन x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन विल बी द सेम, क्या रीजन रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स, राइट, को इंटीरियर एंगल्स है, बट अगेन मेरे पास क्या है y की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री, सो x इक्वल्स टू 180 − 54 डिग्री, आ गया आंसर, क्या आएगा यहाँ पर बताओ फटाफट से, या फिर सीधा ऐसे भी किया जा सकता है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी ई एफ के भी तो पैरेलल हो गए ना, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये आपके पास क्या बन रहे हैं बेटा, ये तो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, और वो भी कैसे, ऑल्टरनेट लाइंस पैरेलल हैं, तो इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, हमने अभी निकाली थी जेड की वैल्यू, तो हम सीधा वहां से भी कर सकते हैं कि एक्स और जेड क्या है, इक्वल है, एंड वी कैन से कि वो वैल्यू क्या आ गई 126 डिग्री। एनी मतलब आप क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस से कर सकते हो, आप चाहो तो ये को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, या फिर एक्स इक्वल टू जेड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, अप टू यू,
जैसे समझ आता है जैसे करना है वो आप कर सकते हो, बट सही होना चाहिए, ठीक है, कंसेप्चुअल होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आप को इंटीरियर एंगल्स को भी इक्वल बना दो, बट को इंटीरियर एंगल्स का तो सम होते हैं, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सही लगाओगे आंसर सही आएगा। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, आपको फिगर दिख रही है ना, यहाँ पर आपको टू लाइन दिख रही है, दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी। ऑल्सो ई एफ जो है वो पैरेलल है किस पे, सी डी पर, या मैं कहूँ एफ ई लगा लो, सी डी तो नीचे है, वही बात है कि वो क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई डी देखो कहाँ है, जी ई डी, जी ई डी कहाँ पहुंच गया, ये रहा, यानी ये जो 90 डिग्री का एंगल है और उसके साथ ये जो स्लांटिंग लाइन एक और बन रही है, वो दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा, 126 का एंगल बना रहे हैं। फाइंड ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई, तो देख लेते हैं क्या करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले क्या है, वही सॉल्यूशन पार्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे क्या इसके अंदर निकालने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। तो गिवन में आप देख सकते हो, गिवन क्या आ जाएगा यहाँ पर कि ए बी पैरेलल है किस पे, सी डी पे, ए बी पैरेलल है सी डी पे, सी डी के साथ। एंड ई एफ जो है वो आपका क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पर, ठीक है। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी, ऑल्दो वैसे एफ ई आना चाहिए क्योंकि एफ पॉइंट ऊपर है ना, तो एफ ई लिखना चाहिए मोर अप्रोप्रिएटली। मैं यहाँ कर देती हूँ, एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी। नाउ ऑल्सो मुझे एंगल दे रखा है क्या, जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है, GED दे रखा है 126 डिग्री। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, दैट पार्ट आई एम स्किपिंग, ठीक है, आप चाहो तो टू फाइंड करके लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पार्ट कर रही हूँ। सॉल्यूशन देखो क्या आएगा बेटा, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि GED के अंदर क्या है, 90 प्लस कुछ हो रहा है ना, तो 90 प्लस कुछ हो रहा है यहाँ पर, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। प्लस सबसे पहला जो मुझे एंगल निकालना है वो कौन सा है, AGE, AGE, देखो जैसे ही मैंने देखा कि AB पैरेलल है किस पे, CD के साथ, और GE एक ट्रांसवर्सल है, GE एक ट्रांसवर्सल है, तो AGE और GED तो सेम ही हो गया, है ना, क्यों, बिकॉज दे मेक अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिखो एज AB पैरेलल टू CD, एंड क्या है आपके पास, GE इज अ ट्रांसवर्सल, GE इज अ ट्रांसवर्सल, GE is a transversal, so हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AGE is equals to एंगल GED, एंगल GED, क्यों, because they make a pair of alternate interior angles, ठीक है, समझ में आया। बट हमें पता है GED की वैल्यू कितनी है, 126, लिख लेते हैं, बट एंगल GED is equals to 126 degree, so this implies angle AGE is also equals to 126 degree. Clear हो गया? एक एंगल तो निकल गया, बाकी अब दो और निकालने, देखो कौन कौन से हमें निकालना है, GEF निकालना है, तो बेटा GEF जो है क्या वो GED माइनस FED निकल जाएगा, ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, GEF निकालना, ये वाला एंगल है GEF, है ना, तो ये पूरा मुझे 126 दे रखा है, ये मुझे 90 दिया हुआ है, सिंपल हो जाएगा। देखो अब, नाउ ऑल्सो एंगल कौन सा है, GEF, GEF कैसे निकलेगा बेटा, ऑल्सो एंगल GEF कैन बी रिटन एज एंगल GED, एंगल GED माइनस एंगल FED, एंगल FED, ठीक है, बट क्या लिखेंगे आप, बट एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री सेमीकॉलन, और एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है, ये आप लिख लेंगे क्या, क्योंकि आपको ये गिवन है, और एक बार लिख दिया तो इट्स इनफ। सो दिस इंप्लाइज एंगल GEF इज इक्वल टू, GED टोटल कितना है 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया, 12 माइनस 9 36 डिग्री, तो यानी GEF जो है वो कैसा है बेटा, 36 डिग्री का है, सिंपल बेटा। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ, और समझने की बात है कि कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, कहां पर कैसे क्या किया गया, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या आता है, क्या पूछा है, FGE निकालना क्या मुश्किल है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, देखो कैसे निकलेगा,
यहां कर रही हूं मैं एफ जी ई, ढूंढो कहां है एफ जी ई। अगेन ये क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एफ जी ई, ए जी ई तो हमारे पास निकाल लिया था मैंने, ए जी ई कितना है 126 डिग्री है ना, और उसके बाद जो एफ जी ई है, क्या ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, बना रहे हैं ना, तो बस फिर हो गया, निकालते हैं कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ 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 एंगल एफ जी ई, एफ जी ई प्लस में एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे मेक अ पेयर जो कि है लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ए जी ई कितना है, अभी हमने निकाला था फ्रॉम वन, इसको मैंने इक्वेशन वन नाम दे दिया, बट एंगल ए जी ई आपके पास आता है 126 डिग्री, कहां से आता है, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 एंड विच इज इक्वल टू 54 डिग्री, आएगा आंसर 54 डिग्री। दैट मींस अब मुझे देखो क्या क्या निकालना था, ए जी ई निकालना था, आ गया, नेक्स्ट निकालना था जी ई एफ, आ गया जी ई एफ और एफ जी ई, यानी तीन एंगल निकालने थे, तीन और निकाल लिए, सिंपल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है इन फिगर 6.31, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये फिगर थोड़ा सा इसके अंदर हमने क्या है कुछ चेंजेस करने हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए ड्रॉ कर दे रही हूं, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नेमिंग भी कर देती हूँ जो आपकी क्या है बुक में एज इट इज आपको गिवन है, राइट, ये आपके पास है पी और ये है एस, ठीक है, ये है आपकी फिगर 6.31। ये कहता है क्या, पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के, यानी अगर पी क्यू को क्या करा जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो समहाउ ये क्या है इसके पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। तो ये कहता है पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू आर यानी पी क्यू आर, दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 110 डिग्री एंड ऑल्सो इट इज गिवन की आर एस टी 130 डिग्री है, आर एस टी ये कितना है बेटा 130 डिग्री, ठीक है। फिर कहता है फाइंड क्यू आर एस, क्यू आर एस यानी ये वाला एंगल आपको क्या है फाइंड करना है। तो अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम, इसके लिए थोड़ा सा हमें क्या है कंस्ट्रक्शन पार्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है कि हमें करना है थ्रू आर एक लाइन ड्रॉ करना है विच विल बी पैरेलल टू पी क्यू, और पी क्यू के अगर पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली एस टी के तो पैरेलल होगी ही, राइट। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी कहां से, आर से, और थोड़ा डॉटेड ही किया है, ये वाली लाइन आपने नहीं करनी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि हाउ पी क्यू एंड एस टी आर पैरेलल, कि पी क्यू और एस टी कैसे पैरेलल हुए, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द आर, और मैंने इसे नेम दे दिया क्या एक्स वाई, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है, एक्स वाई, क्लियर। तो एक्स आर वाई इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू पी क्यू एज वेल एज एस टी, ठीक है। अब वही बात है कि क्या किया मैंने, सबसे पहले अपना गिवन पार्ट लिखा, गिवन पार्ट में लिखना है क्या कि मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है पी क्यू पैरेलल है किसके एस टी के, और मुझे गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, और गिवन है क्या आर एस टी, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन पार्ट जरूर मेंशन करना है क्या, कि कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू थ्रू आर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि हमने आर पॉइंट से एक लाइन ऐसी ड्रॉ की है जो कि क्या है पी क्यू के पैरेलल है। नाउ अगर पी क्यू के पैरेलल है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है एस टी के और पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, तो एक्स वाई भी एस टी के पैरेलल हो गया, राइट। तो ये भी दिखना है आपने। अब हम करते हैं सॉल्यूशन पार्ट, एज पी क्यू पैरेलल है किसके एस टी के, ठीक है, एंड पी क्यू पैरेलल है किसके एक्स वाई के, सो दिस इंप्लाइज पी क्यू और एक्स टी, सॉरी एस टी एंड एस टी पैरेलल हो जाएगा किसके, जो अभी हमने ड्रॉ किया दैट इज एक्स वाई, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मुझे एंगल ये वाला निकालना, दैट इज क्यू आर एस। ये कैसे निकल सकता है, अगर मुझे क्या पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए, राइट, तो हम 180 डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो मैं इन्हें नाम दे देती हूँ, ठीक है, ये मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से 1, 2 एंड 3, राइट। मुझे बेसिकली निकालना क्या है, एंगल 2 निकालना है, बट इट विल बी
find out, yeah, it will be solved using the help of 1 and 3. अगर मैं देखूं कि ये PQ क्या है, XR Y के parallel है, तो इसका मतलब 110 और 1 degree, 1 angle जो है वो तो same होने वाले हैं. This angle same, sorry, same नहीं, ये क्या होंगे? Co-interior angles होंगे. Angles on the same side of the transversal, तो ये दोनों का sum तो क्या होता है? 180. तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 degree. अब यहाँ पर भी same concept apply किया जा सकता है कि ये दोनों angles क्या हैं? Transversal की same side पर है and XRY parallel है ST के, तो दोनों का sum कितना हो गया? 180. ये 130 है, तो ये कितना हो गया? 50. And now we can use क्या लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट. देखो, नाउ लेट्स राइट इट डाउन. सॉल्यूशन पार्ट में हम लिखेंगे एज एज पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई. ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एक्स आर वाई. पी क्यू पैरेलल टू एक्स आर वाई. सो क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, है ना. इंटीरियर एंगल्स मतलब एंगल्स ऑन दी सेम साइड या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स. हमने ये तीनों ही करे थे. आपको जैसे कंफर्टेबल है आप वो लिख सकते हो कि क्या एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, है ना. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सो दिस इंप्लाइज क्या 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 मुझे मिल जाता है कितना? 70 डिग्री. 180 माइनस 110, है ना. ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं? ऑल्सो, सॉरी, ठीक है, ऑल्सो मेरे पास ये भी आता है क्या? ऑल्सो एस टी पैरेलल है किसके? एक्स आर वाई के. सो एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन द रीजन विल बी सेम, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स है तो हम सीधा ही लिख सकते हैं क्या? दिस इंप्लाइज 130 degree plus angle 3 is equals to 180 degree and this implies angle 3 is equals to 180 minus 130 और आप directly भी लिख सकते हो, that is 50 degree, जैसा मैंने ऊपर लिखा है 70 degree, है ना. Now अब हम लिखेंगे क्या? Now XRY is a line, XRY is a line, so angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. reason क्या रहेगा? linear pair. और मुझे 1 और 3 का मेजरमेंट पता है, दैट इज 70 एंड 50. ठीक है, तो हम लिख देते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस में कितना कितना आया था यहां पर? 50 डिग्री, है ना. 50 इज इक्वल टू 180. सो दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 180. 70 प्लस 50 कितना होता है बेटा? इट्स सो इजी, 120. मैंने इधर ट्रांसपोज किया, माइनस का आ गया, तो ये सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिल गया 60 डिग्री. दैट मींस एंगल QRS इज 60 डिग्री आंसर. ठीक है, करें नेक्स्ट. चलो देखो, आपको मैंने ये वाला तरीका बताया, बट आप में से कुछ को ऐसा भी दिख रहा होगा कि मैम अगर ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल. यानी एंगल, यहां देखो मैं रफ में लिख रही हूं ये, कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, 210 डिग्री हो गया और यहां से मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल गया किसका? एंगल 3 का. तो अगर पूरे एंगल में से एंगल 3 को माइनस कर दिया जाए तो एंगल 2 ही बचेगा. दैट वाज एंगल 3 कितना आ रहा था यहां पर? 50. यानी 110 में से मैंने क्या किया? 50 माइनस कर दिया, तो भी तो 60 आंसर आ रहा है, राइट. सो अगेन वही बात है कि ज्योमेट्री में बेटा कॉन्सेप्ट सही लगाना है, बट हाँ जरूरी नहीं है कि हर किसी का मेथड सेम हो, हर किसी ने इसी तरीके से करना है. अगर आपको कुछ और दिखता है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है ये, तो दैट ऑल्सो कैन बी डन, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाना है. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू एंगल आपको मेजरमेंट दिया हुआ है 50 डिग्री एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई. देखो सबसे पहले ना अब मैं फिगर आपके लिए बना देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आपको क्या है, मुझे फिगर से ही बताना है कि कैसे आप कर सकते हो. सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 हियर एंड आई एम ड्रॉइंग द फर्स्ट. क्या है, मैं आपके लिए पहले फिगर ड्रॉ कर देती हूँ कि आपके पास कुछ इस तरीके से है, टू पैरेलल लाइंस है, है ना, और इनके बीच में ये लग नहीं रही है पैरेलल, पर ये है पैरेलल. ओके, ये आप इसको ऐसे ही कंसिडर करना, राइट. कुछ बच्चे कहेंगे मैम को तो ड्रॉइंग नहीं आती है ना. चलो देखो, ये है आपके पास पी क्यू आर एंड ये लाइन है आपके पास ए बी एंड दिस विल इज बी
सीडी, ये आपके पास है सीडी, राइट। अब देखो यहाँ पर क्लियरली जो आपको क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएगा क्या, कि आपका आपके पास गिवन है ए बी पैरेलल है किसके, सीडी के, दिख रहा है ए बी पैरेलल है सीडी के, ठीक है। फिर आपको गिवन क्या है कि एपी क्यू एंगल जो है, ए पी क्यू दिस एंगल इज गिवन एज 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंड सेकेंड मेजरमेंट जो दिया है दैट इज पी आर डी, ये एंगल का मेजरमेंट दिया है दैट इज 127, है ना। तो पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है। फाइंड करना है तो इसका मतलब सॉल्यूशन ही करना है, डायरेक्टली हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर, गिवन टू प्रूफ की गिवन लिख दिया हमने, प्रूफ एंड ऑल आप खुद देख सकते हैं वो। देखो अब क्या करना है मुझे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स और वाई है कहां पर वो भी देख लेते हैं, एक्स है मेरे पास यहां और वाई है यहां, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर ए बी पैरेलल है सी बी के एंड इफ आई से कि दैट पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, तो क्या ये दोनों एंगल्स क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं बनेंगे, बनेंगे ना, कि दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर ऑपोजिट साइड ऑन द ट्रांसवर्सल एंड दे बोथ आर इन द इनसाइड ऑफ द, है ना, ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स है, तो ये बन गए क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और लाइंस पैरेलल है तो ये इक्वल भी होंगे, हो गया एक्स तो मिल गया। तो क्या लिखेंगे, एज ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि यहां पर क्या है टू ट्रांसवर्सल है, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, क्या रीजन लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट एंगल ए पी क्यू कितना है बेटा आपके पास, एंगल ए पी क्यू तो है यहां से अभी हमने देखा था दैट वॉज 50 डिग्री, सो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, है ना, हमें x और y निकालना था जिसमें x तो हमारा निकल गया। अब देखो क्या, अब मुझे निकालना है y, ठीक है, और ये मुझे कितना गिवन था बेटा 127 डिग्री गिवन था, ठीक है। अब देखो, अब if I say that AB again AB parallel to CD and this time PR is a transversal, this time PR is a transversal, तो ये पूरा एंगल जो है क्या इसके इक्वल होगा, दैट मीन 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 होगा, है ना, सेम लॉजिक लगेगा। आप लिखोगे अगेन AB parallel to CD and PR is a transversal, so 50 plus y is equals to PRD. तो यहाँ से y निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं? This part I am leaving for you. यहाँ से आप y की value खुद निकालेंगे, calculate करना है, simple और कुछ भी नहीं है. 127 minus 50 अलग. मैं आपको आंसर भी बता देती हूँ. आंसर will be 77. है ना? Same lines पे करना है. Same, बिल्कुल as it is same. बस लिखना है again AB parallel to CD and PR is a transversal, so 50 plus y is equals to angle PRD, या फिर PRD is equals to 50 plus y, answer reason में भी same आएगा alternate interior angles. So, but आपको पता है PRD तो 127 है, so this implies y is equals to 127 minus 50. Answer खत्म, question over. Fine. So this part you will do yourself. हम करते हैं अब next question. देखो next question क्या है? अब देखिए question number 6 है. इस क्वेश्चन में भी आपको यही गिवन है कि इन फिगर 6.33, तो मैं पहले 6.33 फिगर आपके लिए बना देती हूँ, क्योंकि अगेन आई एम ड्रॉइंग द फिगर, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिगर्स में चेंजेस करने हैं आपको, फिगर की हेल्प से मुझे समझाना है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ इस तरीके से फिगर बनाई जैसे कि आपको बुक में गिवन है, कुछ इस तरीके से गिवन, ठीक है। चलो अब हम जैसे गिवन है हमको वैसे हम कर लेते हैं। इन फिगर 6.33, ये आपके पास फिगर है 6.33, ये कहता है PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. That means ये जो मैंने आपके लिए parallel lines बनाई हैं, ये क्या है बेटा mirrors हैं. PQ and RS are mirrors जो कि कैसे हैं बेटा parallelly placed किए गए हैं. ठीक है, ये कैसे हैं parallelly placed किए गए हैं, और ये जो shaded part मैं draw कर रही हूँ इसका मतलब है कि यहाँ से ना paint हुआ हुआ है, जो अगर reflection part है वो क्या है अंदर की तरफ है ना। उसके बाद क्या किया, एंड इंसिडेंट रे ए बी, इंसिडेंट रे क्या है, ये इंसिडेंट रे है आपके पास ए बी, इंसिडेंट रे ने क्या किया स्ट्राइक किया मिरर पी क्यू को एट बी, ठीक है। देन द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, ये अलोंग द पाथ बी सी, एंड देन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सी डी, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सी डी, फिर से वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये समझ में आया। अब देखो
यहाँ पर ए बी आया, ए बी इंसिडेंट रे थी रिफ्लेक्ट होकर के बी सी के अलोंग ट्रेवल किया और वापस से रिफ्लेक्ट बैक होके सी डी के अलोंग रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, इसने कहा है क्या कि पी क्यू और पी आर एस, तो इसने हमें बता दिया कि दे आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। इसने फिर से कहा मुझे कि क्या कहा, इसने कहा प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये जो लाइंस है ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है या नहीं। देखते हैं अब प्रूफ करने के लिए क्या ही दिया, तो बेटा इसका मतलब तो होगा ही। तो कर लेते हैं क्या, सबसे पहले हम अपना गिवन पार्ट लिखते हैं। गिवन में सिर्फ आपने यही लिखना है क्या, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। और टू प्रूफ में हमने क्या लिखना है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट करना है। कंस्ट्रक्शन पार्ट देखो क्या है, मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम बी पॉइंट एंड एज वेल एज सी पॉइंट। ठीक है, मैं आया, मैंने क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आप इसको नाम दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया बीई और इसको नाम दे दिया सीएफ। ठीक है, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन लिखा, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ बीई परपेंडिकुलर टू, किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे है ना, एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू, सी एफ किस पे परपेंडिकुलर है, आर एस पे है ना। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही मैंने क्या किया है यहाँ पर, यह कंस्ट्रक्शन किया है कि ये मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। नाउ अब ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किए मैंने, क्योंकि मुझे ना एक साइंस का कॉन्सेप्ट लगाना है। साइंस का क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, हमने पढ़ा हुआ है लाइट वाले चैप्टर में दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल कौन सा, देखो ये यहां से इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे क्या थी, ए बी थी है ना, तो ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है बेटा, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल इज व्हाट, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, नॉर्मल आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन। ज्यादा डीप में आपको साइंस वाली काम बताएंगी कि अब मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली जो नॉर्मल रे यानी परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये तो बीसी क्या थी, रिफ्लेक्शन थी ना, तो बीसी यानी कि परपेंडिकुलर लाइन एंड इसी तरीके से क्या कि जो रिफ्लेक्शन वाली थी वो भी क्या बन गई आपका, आपके पास एक एंगल जो बना रहा है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो इस पॉइंट के लिए यानी इस मिरर के लिए ये जो लाइन थी बीसी, जो रे ऑफ लाइट थी, ये क्या कर रही है, एक इंसिडेंट रे का काम कर रही है, कर रही है ना, चाहे तो वो रिफ्लेक्ट होकर ही आई है लेकिन यहाँ इस पॉइंट के लिए तो ये क्या काम कर रही है, इंसिडेंट का काम कर रही है। तो दिस सेज कि ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो जाएगा आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रही है। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। मैं इनको नाम दे रही हूं क्या, एक्स एक्स वाई वाई, क्यों दे रही हूं, आप चाहो तो आई एंड आर भी दे सकते हो, बिकॉज आई एंड आर अभी मैंने बताया क्या, इक्वल होते हैं है ना, तो मैंने क्या किया, एक ही नेम दे दिया, सिंपल, क्लियर है, समझ में आया। अब देखो इसको करना कैसे, देखो प्रूफ में सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, जो हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट किया है उसकी हेल्प से भी एक रिजल्ट बन रहा है क्या, एज पी क्यू पैरेलल है आर एस के, PQ RS के पैरेलल है, तो उन दोनों लाइंस पे जब अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएंगे तो वो भी आपस में क्या होंगे बेटा, क्या होंगे, पैरेलल होंगे, कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, देखो as PQ पैरेलल टू RS एंड ये दोनों लाइंस लिखनी है आपने क्या, BE परपेंडिकुलर है PQ पे एंड CF, यहाँ पर एंड मत लिखो, आप क्या लिख सकते हैं, सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे क्या, CF परपेंडिकुलर है किस पे, RS पे। तो दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है कि BE पैरेलल है किसके, CF के, BE पैरेलल है CF के। ठीक है, समझ में आया। नाउ अगेन यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, साइंस का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पूरा लिखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है ना, लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने साइंस में, तो वो ही कॉन्सेप्ट हमने याद करना रिकॉल करना है. सो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज एंगल ए बी ई, दिस इंप्लाइज एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी. और ये बोथ, इन दोनों को ही मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया. ठीक है, दिस अगेन सिमिलरली वी कैन से क्या बी सी एफ, एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू क्या एफ सी डी, एफ सी डी इज इक्वल टू वाई. ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे. बट हम जानते हैं क्या, अभी अभी हमने प्रूव किया बीई पैरेलल है किसके, सी एफ के. तो ये अगर क्या है बीसी एक ट्रांसवर्सल है, तो एक्स और वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए. अब पैरेलल है तो एक्स और वाई तो इक्वल होंगे, राइट. लिख देते हैं नाउ एज एज बीई, बीई पैरेलल है किसके, सी एफ के. तो हमने क्या किया, इसको हम लिख देते हैं यहां पर इक्वेशन वन नाम दे देते हैं, यूजिंग वन, यूजिंग वन. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, या मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकती हूँ, बीई पैरेलल है सी एफ के एंड बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, बीसी ट्रांसवर्सल है तो क्या आ जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू वाई, क्यू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, समझ में आया कि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. अगर ये दोनों इक्वल हैं बेटा तो इनके ट्वाइस भी तो इक्वल होंगे, राइट. दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई. ठीक है, ये दोनों के ट्वाइस भी इक्वल होंगे. लेकिन अगर ट्वाइस की बात की जाए तो एक्स प्लस एक्स लिखा जा सकता है, एक्स प्लस एक्स लिखा जा सकता है, तो एंगल ए बी सी लिखा जा सकता है, राइट. सो दिस इंप्लाइज एंगल ए बी सी, यस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई, यानी वाई प्लस वाई. ये क्या हो गया, बी सी डी, वाई प्लस वाई मतलब बी सी डी, ये पूरा एंगल बी सी डी. ठीक है, समझ में आया, एंगल बी सी डी, क्लियर. अब अगर यहां पर देखो बेटा क्या, कि यहां पर मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों तो क्या बना रहे हैं, एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं. वो कब, और वो भी इक्वल आ रहे हैं, तो दैट मींस ये क्या है आपके पास, इनको अगर एक्सटेंड कर दिया जाए इन लाइंस को इस तरीके से, तो बेटा ये एक बीसी एक ट्रांसवर्सल है ना, और ये ऑल्टरनेट पेयर, जो ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर है वो मुझे इक्वल मिल रहा है. यहां पर देखो है ना, ये इक्वल मिल रहा है, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, राइट. इजी, समझ में आया ना, राइट डाउन क्या लिखेंगे, बट बट दे आर alternate angles, but they are alternate interior angles. या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, they make a pair of alternate interior angles. So this implies क्या AB parallel है किसके बेटा, CD के. So hence proved. समझ में आया, clear हो गया, बहुत बढ़िया. तो इसमें थोड़ा सा बेटा साइंस का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, और वो साइंस का कॉन्सेप्ट आई होप आप सभी को क्लियर होगा, बहुत ही इजी सा है. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इस फिगर में हमें जरूरी था जानना कि कौन सा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड कौन सा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि दो दो आ रहे थे ना. ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. बट नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड योर क्वेरी सेक्शन. ठीक है, तो मिलते हैं विद दिस, सॉरी आपकी ये 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है हियर, एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू स्कूल जी, थैंक यू.